नमस्ते एवरीवन, हाय। आज फिर आप लोग को कुछ बताना है मुझे, मे बी अपने गुरुजी का मैसेज आप तक पहुंचाना है कि देखो, गांधी हो या मोदी, हर इंसान रॉबिन हुड की तरह है। मतलब वो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा है। तो जब अब जैसे रॉबिन हुड अमीरों का पैसा चुरा के गरीबों को देता था, तो अमीरों के लिए वो बुरा था और गरीबों के लिए वो अच्छा था। मतलब गरीब उसको मानते थे, पूजते थे और अमीर उससे नफरत करते थे। और ये है कि हर अमीर बुरा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो गलत तरीके से ही अमीर बना, और हर गरीब अच्छा है, उसकी इंटेंशन अच्छी, ये भी ज़रूरी नहीं है। पर एनीवे, हर में एक रॉबिन हुड है, किसी का अच्छा किसी के लिए बुरा होता है। तो उसी तरह गांधी और मोदी, कोई कहता है हम गांधीवाद हैं, गांधी अच्छा था, कोई कहता है मोदी अच्छा है, मोदी बुरा है। तो रॉबिन हुड को आप देखने की कोशिश करिए ना, हो सकता है जो आपके लिए बुरा है या आपके लिए जो किसी के लिए अच्छा या बुरा है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि सब हमारे नज़रिए का फ़र्क है, परसेप्शन, हाउ वी परसीव थिंग्स। तो डोंट बी सो जजमेंटल, लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा नहीं कोई चीज़ करनी चाहिए कि वो अच्छा है वो बुरा है। वी आर नोबडी टू पास जजमेंट, यू नो। और आपको एक बात और बतानी थी, इसी से रिलेटेड चीज़ें, कि पॉलिटिक्स, राजनीति कहते हैं उसको, वो आम इंसान से परे, आम इंसान को पॉलिटिक्स डिस्कस करने का कोई फ़ायदा कुछ नहीं। हम क्या कर सकते हैं उसको डिस्कस करके, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और वी माइट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस, बट उसको हमको पेशेंटली और बहुत सहजता के साथ और बहुत सुंदर तरीके से, लाइक एजिटेशन एग्रीवेशन बिना डिस्प्ले किए, मजाक। अब कुछ लोग हैं फालतू, पॉलिटिक्स तो छोड़ो, डर्टी जोक्स पे उनको मज़ा आता है हंसी, क्या है ये सब, क्या है? आई कांट इवन थिंक कि डर्टी जोक्स पे लोगों को हंसी आ रही है, गंदी गंदी चीज। मतलब क्या आपको गंदगी पसंद है? आपको लिटरली शिट पसंद है? यू लाइक शिट? गलत हो रहा है उसको आपको वाह 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 बहुत अच्छा है, वाह। रॉन्ग डिस्प्ले ऑफ यू नो, आजकल हॉट सेक्सी, क्या है ये सब, वाह, इट इज नॉट वाह। आई एम बैक। बच्चे पालना, पेट्स पालना भी एक टास्क ही है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ा था। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इट इज़ नॉट वाओ, हाउ कैन इट बी वाओ? डर्टी थिंग्स को आप वाओ करोगे? डर्टी डिस्प्ले ऑफ योर क्या कहूँ, सेंशुअलिटी एंड स्टूपिड जोक्स, डर्टी भी नहीं, स्टूपिड जोक्स। मुझे तो कभी हंसी ही नहीं आई। आई नेवर फेल्ट लाइक, अरे वाह क्या जोक है, पुअर जोक्स। स्लाइट विट ह्यूमर इज अनदर थिंग, बट स्टूपिड पुअर जोक्स, पता नहीं लोगों को कैसे हंसी आती है, अब वो उनकी चॉइस। आई शुड नॉट बी जजमेंटल माई सेल्फ, पर मुझे नहीं आती पर्सनली ऐसी चीज़ों पे हंसी, आई कैन नॉट एन्जॉय इट। तो मैं ये कह रही थी कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स जो है वो स्पेशली कलयुग का, घोर कलयुग का, वो टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वो हम जो पॉलिटिक्स में जो नहीं है वो नहीं समझ सकते। तो इट्स यूजलेस डिस्कसिंग समथिंग विच इज़ बियॉन्ड अस, बियॉन्ड आर कंट्रोल। व्हाट इज़ द पॉइंट? और डिस्कस कभी थोड़ा बहुत कर भी लिया, बट कॉन्स्टेंट कि ऐसे है वैसे, नो, इट्स यूजलेस। और कोई किसी को अपना आइडल बना ही लिया है, कहते ना भगवान भक्तों से, मतलब भक्त मानता है तो वो भगवान कहलाता है, अगर भक्त नहीं माने तो भगवान भी भगवान नहीं है।
तो उसी तरह कोई हमारा आइडल बन चुका, आइडियल बन चुका है, तो अब उसका मेंटल शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है उसने कुछ बहुत अच्छी चीज़ देख ली उसमें जो आप नहीं देख पा रहे हो। वही रॉबिन हुड वाली बात है, अब गरीबों ने उस रॉबिन हुड में अपना मसीहा देखा। तो और राजनीति में तो साम दाम दंड भेद मींस हर टैक्ट और टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो कोई दूध का धुला होगा तो वो राजनीति में तो जाएगा नहीं। तो ये कहना कि वो अच्छा वो कुछ नहीं, राजनीति में है तो दूध का धुला तो नहीं है। वैसे भी हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, और राजनीति में और भी जो थोड़ा और मैला होगा वो ही जाएगा, क्योंकि वो राजनीति है, वो भी घोर कलयुग की राजनीति। मैं ये, और हाँ, और एक और चीज़ आप लोग को कहना चाह रही थी कि जो लोग डोरे डालते हैं, रिझाते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं, वो भी किसी मैरिड को, औरत हो या आदमी, कोई भी, बहुत गलत है। आप अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए अगर किसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड बी गिल्टी, शेमफुल अबाउट योर एक्ट्स। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी काम कर रहे हो। किसी का घर बसा हुआ है, उसको आप तोड़ने की कोशिश, अगर आपको लग रहा है कोई फंसा है और आप उसकी मदद हेल्प करना चाहते हो तो अलग बात है। निभाने की आप में हिम्मत है, दोस्ती, सच्ची दोस्ती, या एक फ्यूचर रिलेशनशिप की, हो सकता है कि फ्यूचर में आप एज अ मैरिड कपल रहें, तो वो अलग। पर किसी को डोरे डालना, फंसाने की कोशिश, वो भी मैरिड, जिसका घर, उसके घर तोड़ रहे हो आप, उसके बच्चों, उसके स्पाउस के बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर उसके बच्चे नहीं भी हैं तो स्पाउस है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, सेल्फिश हो, व्हाट इज द पॉइंट। और फिर वैसे लोग बात करते हैं न्याय की, इंसाफ की, राइटियसनेस की। रियली सैड, बहुत दुख की बात है कि गलत लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, अच्छाई की बात कर रहे हैं। तो मेरी अवेकनिंग काफ़ी टाइम लग गया, मैं 40 इयर्स की हूँ, और अब जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। मगर मुझे लग रहा है फिर भी मेरी ये लेट अवेकनिंग बहुत लोगों से अर्ली ही है, और दे हैव रीच्ड देयर 50s, मतलब मेरे से 10 साल बड़े ही होंगे, 60s, मतलब 20 इयर्स मेरे से बड़े, और वो नहीं समझ, तो उनके लाइफ में तो अभी भी अवेकनिंग नहीं हो रही है। तो मेरी अर्ली अवेकनिंग है उस हिसाब से, और कुछ बच्चे भी मुझसे ज़्यादा समझदार होते थे, मैंने नोटिस किया, तो उनकी अर्ली, मुझसे भी अर्ली अवेकनिंग हुई। ठीक है, देर सवेर सबको पीस मिल जाता है, पीस इज एक्चुअल सक्सेस, हैप्पीनेस। पैसा तो है ही सक्सेस, लेकिन अगर पैसे के साथ साथ आप में विजडम नहीं आ रहा है तो वो पैसा मीनिंगलेस है। अब जैसे मेरे फादर सुंदर हैं, हमेशा मुझे लगा वाह मैं तो डैड जैसी दिखती हूँ, डैड कितने सुंदर हैं, और पैसे हैं उनके पास, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन्ड है। बट जो गैर जिम्मेदार, उन्होंने मेरी कभी जिम्मेदारी नहीं ली, ऐसा अपेरेंटली। हो सकता है अब कहीं वो पर्दे के पीछे कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, पर गैर जिम्मेदार इंसान कितना ही आकर्षक दिखता हो, उसके सुंदर दिखने का, मोहक दिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब मीनिंगलेस है। ब्यूटी इज मीनिंगलेस इफ इट डजेंट हैव सब्सटेंस। तो मेरी आप लोगों से, जो मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं बिना कहे भी, तो यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने आप में लाइक एक अवेकनिंग, भाई अवेकनिंग करने की कोशिश करिए, ट्राई। क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया, 40 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। मैं हमेशा सोचती थी कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज़ वैसे क्यों हो रही, इसके पीछे क्या होगा। वो तो वो चीज़ कॉन्स्टेंट सबकॉन्शियसली अपने आप से लड़ना। फाइनली अब मैं, मुझे बहुत समय हो गया, जब मैं पहले बहुत गुरुजी से रेगुलर मिलती थी, बचपन ही था वो मेरा,
और अब नहीं मिल पाती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बीज उन्होंने डाला है, मुझे ऐसे लगता है कि जो अब ग्रो कर रहा है, अब पेड़ का रूप ले रहा है, बहुत टाइम लग गया। तो थैंक यू गुरु जी। अच्छा, आप सबको बहुत सारा प्यार। बाय।